नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, एज यूजुअल आपके साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कौन से विटामिन्स या कौन से फूड सप्लीमेंट्स हमें अभी लेनी चाहिए जो इस समय, इस COVID-19 के समय हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना मतलब हमारी बॉडी का के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ना। मैंने कुछ नोट्स तैयार किए और उस नोट्स के साथ में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। वो जानकारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता यदि हमारी बॉडी की मजबूत हो जाएगी तो हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी और हमारी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में, आने वाले कठिन समय में हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बैक्टीरिया, फंगसेस, वायरसेस, जितने भी बॉडी में इन्फेक्शंस क्रिएट करने वाले कारण हैं उनसे हम लड़ पाएंगे। अब रही इन सब चीजों की बात कि क्या जरूरी है, तो हम उन सभी चीजों को एक के बाद एक जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये किन चीजों से आपको मिलते हैं और घर में आपके कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आप अभी बाहर तो जा नहीं सकते। और मैं आपको ज्यादा सलाह कभी नहीं देता मेडिसिन्स की, मतलब फूड सप्लीमेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ, मल्टी विटामिन्स की भी बात कर रहा हूँ, मिनरल सब्सटेंस की भी बात कर रहा हूँ, खनिज पदार्थ जो होते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो सभी चीज यदि आपको आपके घर में आपके खाने से मिले तो ही इम्पॉर्टेंट होगा। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा फूड सप्लीमेंट को, बहुत ज्यादा मेडिसिनल सप्लीमेंट लेने की कोशिश करेंगे और वो नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट नहीं करता। देखिए, विटामिन शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारे मल्टीविटामिन मार्केट से खरीद के लेकर आ गए और फिर खाना चालू कर दिए। ये विटामिन तभी आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगे ज्यादा जब ये आपके नेचुरल फूड से आएंगे। बात को समझिएगा, जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें यदि ये हमें मिल जाए तो ही हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। विटामिन जरूरी है, यदि नहीं होते तो आप बाहर से लेते हैं, पर ये बीमारी के केसेस में होता है। जब नेचुरल इम्यूनिटी की बात आती है तो फिर आपकी जो हेयर इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है, उसके लिए आपको नेचुरल तरीके से ही काम करना है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है स्लीप, सोना, सही अच्छी नींद आना चाहिए आपकी, बहुत अच्छे से आप सो पाए। आपको आपका जो एंगर मैनेजमेंट है वो ठीक होना चाहिए, आपको गुस्सा ज्यादा नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ापन आपके दिमाग में नहीं क्रिएट होना चाहिए। जंक फूड आपको अवॉइड करने होते हैं, घर में भी आप अवॉइड करें इन चीजों को, आइसोलेशन पे मत जाएं, ज्यादा दिमाग को आइसोलेट मत करें। ये कुछ बहुत सारी बातें हैं, पर मैं सबसे पहले उन बातों को भी लूंगा, दो तीन मिनट लास्ट में आपको बताऊंगा उन सभी बातों को जो बहुत जरूरी है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। लेकिन अभी वीडियो में बात करूंगा मैं आगे कि कौन कौन से विटामिन लें। तो सबसे पहला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी आपको क्यों जरूरी है? विटामिन सी के बिना आपकी बॉडी चली नहीं सकती। सबसे जो महत्वपूर्ण है प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने का काम, वो विटामिन सी है, बिकॉज इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सबसे जरूरी चीज है आपके टिश्यूज के लिए, आपके सेल्स के लिए, आपके सेल्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, सेल्स के स्ट्रेंथ के लिए। इट इज एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको मिलेगा कैसे? ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपको मिलेगा कहां से? सारे खट्टे फल और सारी खट्टी सब्जियां जो आप यूज करते हैं, इन सभी में आपको विटामिन सी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो डेली रिक्वायरमेंट आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा आपको विटामिन सी के खाने में कौन से आपने खाने में लिए हैं। जैसे विटामिन सी आपको नींबू से मिलता है, संतरा, मौसम्बी, बेरीज या खट्टी जितनी बेरीज आती हैं उनमें, और कुछ खट्टी भाजियां आती हैं उनमें, और सभी खट्टे पदार्थों में, सभी खट्टे घर में खाए जाने वाले पदार्थों में आपको विटामिन सी मिलेगा ही मिलेगा। दूध में आपको विटामिन सी मिलता है और दही में आपको विटामिन सी मिलता है। आपको घर की खाए जाने वाली लगभग लगभग सभी खट्टे फल और सब्जियों में विटामिन सी मिलता है। तो आपका काम है
कि ये सबसे जरूरी विटामिन सी विटामिन जो है उसको आपको रेगुलर अपने खाने में रखना है खाद्य पदार्थों की मात्रा के रूप में, नहीं कि आपने विटामिन सी की कोई कैप्सूल या टैबलेट लेके आ गए और खाने चालू कर दी। कैप्सूल नहीं आती, टैबलेट आती है। विटामिन सी देखिए पानी में घुलने वाला विटामिन होता है और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। तो विटामिन जितने पानी में घुलने वाले होते हैं, ये तेल में नहीं घुलता ना, ये विटामिन सी है। विटामिन ए डी ई और के, ये जो विटामिन है ये तेल में घुलने वाले, लेकिन विटामिन सी जो है वो पानी में घुलता है। तो पानी में घुलने वाले जितने विटामिन है उसको आपको रेगुलर लेना पड़ता है, विटामिन सी, विटामिन बी 12, बी 6 स्पेशली। तो ये सबसे जरूरी है कि आपको इसको रेगुलर लेना होगा। तो ये आपको करना है कि आपको खट्टे वाले फल सब्जियां ये सब चीज लेनी। दूसरी चीज आपको लेना है बहुत महत्वपूर्ण विटामिन में एक आता है, वो है विटामिन बी। अब B12 में B1 से B12 है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट B6 होता है। विटामिन B6 भी आप इसमें यूज करेंगे, आपको हर बीन्स में ये मिलेगा, जितने भी आपके सब फ्रूट्स हैं उसमें आपको विटामिन B6 मिलेगा, आपको हरी पत्तेदार सब्जियां जो आती हैं उनमें भी मिलेगा। ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको यूज करनी है, बीन्स वाली जो चीजें हैं उसमें यूज करिए, आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। तीसरा विटामिन जो है, क्योंकि विटामिन बी जो है ना उसका काम होता है आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करना। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ब्लड का बनना, डीएनए सिंथेसिस होना इसके बिना पॉसिबल नहीं है B12 के बिना। तो खून भी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी, ठीक है। अच्छा, अब आता है विटामिन ई। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत जरूरी है विटामिन है, लेकिन मिलेगा कहां से? बीज वाली जितनी सब्जियां होती है ना, बीज वाली, उन सभी में विटामिन ई मिलता है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, ये इम्यून रिस्पांस के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग चीज है, इसीलिए ये आपके लिए जरूरी है। बहुत ही सामान्य भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक और जरूरी चीज है जो जिंक होता है। जिंक जो है आपको ये भी खाने में मिलता है, आपकी सभी भाजियों में जिंक आपको बहुत मात्रा में मिलता है। और मैं हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ एप्पल जरूर खाया करिए, मैक्सिमम विटामिन आपको इसमें मिल जाएंगे। दूध रेगुलर पिया करो, विटामिन सी आपको मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा। विटामिन डी बहुत जरूरी है, विटामिन डी के लिए आपको धूप में जाना जरूरी है, धूप में थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी सी धूप यदि लग जाए आपको तो बहुत जरूरी होगा, इतना करिए क्योंकि आपको ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाएंगे नहीं तो। और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। इम्यून मॉड्यूलेटर के बहुत सारे हैं, 8 मिनट 8.5 7.5 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, 10 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं लूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको मैंने बताया, विटामिन सी, विटामिन B12 में विटामिन B6, विटामिन डी और विटामिन ई। लेकिन इनके साथ साथ जरूरी है आपको रेस्ट बहुत अच्छे से मिले, आप मेडिटेशन या ध्यान आपको जरूरी है, थोड़ा ध्यान पे भी ध्यान दें, और एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। मैं अक्सर बताता हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेने हैं, विटामिन सी वाले खाने को देना है, कोई भी ऐसा चीज ना लें जिसमें आपकी डाइट हेल्दी ना रहे, ऐसा कोई भी मटेरियल, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाले खाने आपको नहीं खाना है। एक और चीज आपको उपवास रखना है, कौन सा उपवास? मीडिया की आने वाली हर न्यूज से उपवास रख लीजिए, क्योंकि इस टाइम में जब आइसोलेशन का टाइम आ गया है, क्वारंटाइन के टाइम है और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, तो क्रॉनिक लेवल पे एंगर जनरेट होता है, आप पैनिक हो जाते हैं, फियर जनरेट होता है, आप आइसोलेटेड फील करते हैं, फिर आपको जंक फूड जैसा खाने की इच्छा होने लग जाती है, फिर आपका आप दवाइयों पे चले जाते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप नींद की दवाई ढूंढते हैं, और स्मोकिंग के तरफ दिमाग जाता है, अल्कोहल की तरफ दिमाग जाता है, आपकी नींद कम हो जाती है, स्लीप डिप्रिवेशन पे जाते हैं। तो इनसफिशियंट रेस्ट, स्ट्रेस, तनाव, टेंशंस, बहुत सारे न्यूजेस, तो ये सब चीजें ना करके डिजिटल मील जो है, मतलब दिमागी कचरा जो आता है उसको रोक दो। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है, यदि आपका दिमाग इसको कोऑपरेट नहीं कर पाता और इस तरह की न्यूज़ से आपका रिएक्शन गड़बड़ होता है, तो सबसे पहले फेसबुक से दूर हो जाइए, दूसरा व्हाट्सएप से दूर हो जाइए, और तीसरा यूट्यूब से दूर हो जाइए यदि आपको पैनिक होता है, और ट्विटर से दूर हो जाइए यदि आपको पैनिक होता है तो, और आप केवल नेशनल चैनल पर चले जाइए। नेशनल चैनल पर सारी जानकारी जितनी अवेलेबल है वो बहुत काफी है, और हर न्यूज चैनल को खंगालने की जरूरत नहीं है कि क्या नया हुआ,
क्योंकि ये आपका यदि माइंड उसको कोप अप नहीं कर पाता है, और ये आपका मेंटल स्टेटस वो ऐसा नहीं है जो आप इन न्यूज़ के रिस्पॉन्स दे पाएं, और आपका दिमाग उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर रिएक्शन करता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे और आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इस स्टेट को आपको दूर करना है, और उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है। पहला तो है, यदि आपसे नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और आप इन सब चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं सिचुएशंस को, सबसे पहले सोशल मीडिया से दूर होइए, और अपने आप को नॉर्मल आइसोलेशन में अपने फैमिली अपने परिवार के साथ रखिए, और पूरा टाइम उनके साथ बिताइए। उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं, पिछले कई सालों पुराने रामायण बहुत अच्छी आ रही है, आपको चाणक्य शुरुआत किया गया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी। माइंड को कूल रखिए, शांत रखिए, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आने वाले समय में भी सीखने मिलेगी। तो इस वक्त को उन सब चीज़ों को सीखने में लगाइए, और तनाव से मुक्त रहिए, क्योंकि आइसोलेट रहना ठीक नहीं है, दिमाग को आइसोलेट करना ठीक नहीं है, अलग अलग दिमाग को रखना ठीक नहीं है। परिवार के साथ जाइए, पूरा वक्त बिताइए, आप उन सब कामों को कीजिए जो आप कभी नहीं कर पाते थे। म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, स्टडी हो सकता है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना हो सकता है, ऑडियो बुक्स हो सकती हैं, आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपको दूंगा, ताकि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकें। और हमारा एक वीडियो आने वाला है मास्क को लेकर, होममेड मास्क कितने सेफ हैं, उन सभी चीज़ों के लिए भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, और यदि आपको पसंद आया तो जरूर लोगों तक भेजिए, क्योंकि इस समय ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। मेडिटेशन करना है, योग करना है, एक्सरसाइज करना है, खुश रहना है, हंसना है, मुस्कुराना है, और अननेसेसरी सोशल मीडिया पे कमेंट करने से बचें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम में दिमाग ना खपाएं, क्योंकि ये वो समय है जब हम अपने मस्तिष्क की भी परीक्षा ले रहे हैं, अपनी समझ की भी परीक्षा ले रहे हैं, अपने सूझबूझ की भी परीक्षा ले रहे हैं। ये सभी के लिए परीक्षा का वक्त है, इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें और खुशनुमा रहें, दिमाग कूल रखें, और एंजॉय करें इस वक्त को, क्योंकि अभी ये बहुत कठिन परीक्षा है और सभी के लिए कठिन परीक्षा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने भी एक बहुत अच्छा कमेंट किया था, कि एक लाइन उन्होंने बोला था, मुझे थोड़ी सी ध्यान आ रही है कि मैं भूल रहा हूँ उस लाइन को, वो लाइन बहुत अच्छी हुई थी और उसी पे वो टैग लाइन बन गई है आजकल कि देखो मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, खैर मैं फिर किसी वीडियो में लिख दूंगा और बताऊंगा, या मुझे याद आएगी तो मैं जरूर यहाँ एडिटिंग कर दूंगा, उसको सामने लिख दूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो एडिट तो नहीं होता, पूरा वीडियो एक ही बार में शूट होता है, और इसकी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं होती, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, वो वर्ड मुझे याद आएगा तो मैं जरूर लिखूंगा। प्लीज़ कूल रहिए, शांत रहिए, मन को शांत रखिए, और इरिटेट मत होइए न्यूज़। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।